गुड आफ्टरनून, मेरे साथ, मैं आपके साथ हूँ नवजोत रंधावा। मेरे साथ है मेरी सहयोगी गुलविश। गुलविश, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ नवजोत, आप कैसी हैं? मैं बढ़िया। लेकिन आपने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया अपना? बस मैं ऑफिस से फ्री होते वोट कास्ट करने ही वैसे गुलविश जा ही रही थी, मैंने उनको रोक लिया। मैंने कहा आइए जरा दिल्ली का हाल बताइए, क्योंकि सुबह से आप इनको दिल्ली आज तक पर देख रहे होंगे और मेरे ख्याल से इनसे बेटर दिल्ली का हाल कोई आपको समझा नहीं सकता। मैं आपको फिलहाल बता दूं जो अभी तक की परसेंटेज आई है वो जरा गुलविश बता दें। सातों सीटें पिछली बार बीजेपी काबिज हुई थी, लेकिन इस बार मुकाबला काफी कड़ा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो 21.56% अभी तक की पोलिंग है। चांदनी चौक 18.04%, ईस्ट दिल्ली में 20.56%, नॉर्थ वेस्ट में 19.57%, न्यू दिल्ली में 17% अप्रोक्सीमेट, वेस्ट दिल्ली में 19, साउथ दिल्ली में 18, यानी टोटल वोटिंग अगर देखा जाए तो 20 के आसपास हुई है। तमाम दिग्गज घरों से बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन गुलवेश आप भी सुबह से लगातार दिल्ली आज तक पर लाइव में हमारे सारे रिपोर्टर से बात कर रही हैं, जरा बताइए कि क्या जनता निकल रही है या नहीं निकल रही है, और इतनी सुस्ती क्यों दिखाई जा रही है? बिल्कुल, ये जो सुस्ती है आज कुछ ज्यादा नजर आई है। और देखिए, दो फैक्टर हो सकते हैं, एक तो गर्मी, दिल्ली की गर्मी सब जानते हैं दिल्ली में कैसे गर्मी पड़ती है, दूसरी बात रमजान चल रहे हैं। तो अगर हम चांदनी चौक सीट की बात करें तो वहां पर शुरुआत में तो बहुत कम परसेंटेज था, मतलब 8-7-8 से ऊपर नहीं बढ़ रहा था शुरुआत के 3-4 घंटे। तो उसकी वजह ये हो सकता है कि लोग रोजे रखते हैं तो दोपहर तक सो के जागते हैं, तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही थी कि वोटिंग परसेंटेज 12 बजे के बाद बढ़ेगा। और नवजोत, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, चांदनी चौकी मैं बात करूं तो अब जाके वहां पे वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन इसी को मैं काउंटर इसलिए करूंगी क्योंकि सुबह जब मैं आज तक पर लाइव कर रही थी, सुजीत कुमार झा हमारे सहयोगी हमारे साथ उस वक्त मौजूद थे और वो दिखा रहे थे बिहार की तस्वीर। 6:15 का वक्त था और तमाम मुस्लिम महिलाएं लाइन में लगी हुई थी। आपने रोजे की बात की, हालांकि दिल्ली की डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन दूसरी एक और बात बताती हूँ, दिल्ली की गर्मी वाकई फेमस है, मध्य प्रदेश की गर्मी और ज्यादा है। और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो मध्य प्रदेश में अच्छा खासा वोटिंग परसेंट है, तो ऐसा मान लिया जाए कि दिल्ली के लोग आलसी हैं, माना जा सकता है। और हम साउथ दिल्ली की बात करें, वहां पर तो बहुत ही कम परसेंटेज है, तो कहा तो ये भी जा रहा है कि साउथ दिल्ली में कोठियां भी हैं कि वहां के लोग निकलते ही नहीं है। तो ऐसे में तो ये परसेंटेज 18% तो ये अभी के, अभी थोड़ी देर पहले के आंकड़े हैं। अगर आप, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से एंकरिंग कर रही हूँ, तो उस टाइम तो बहुत कम परसेंटेज था और सवाल ये उठ रहा था कि दिल्ली के लोग, वी शुड मतलब कि हमें नजीर पेश करनी चाहिए कि हम बहुत अच्छे परसेंटेज में वोट करें, लेकिन वैसा अभी तक मुझे तो नहीं। चलिए वो तस्वीरें दिखाएंगे, बड़ी पिक्चर, आज कहां कहां किस किस दिग्गज ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, हर इलाके की तस्वीर हम आपको एक एक करके दिखाते रहेंगे। गुलविश भी हमारे साथ मौजूद है। गुलविश, सिलसिलेवार तरीके से जरा बताइए कौन कौन कहां कहां वोट डालकर आया है। देखिए, अगर हम हाई प्रोफाइल वोटिंग की बात, मदर्स डे भी है, मदर्स डे भी है, और उसके बाद वो वोट करने पहुंचे, इसके साथ डॉक्टर हर्षवर्धन निकले अपनी फैमिली के साथ, अजय माकन निकले अपनी फैमिली के साथ, अरविंद केजरीवाल निकले अपनी फैमिली के साथ, तो ये सब लोग निकले। और इसके साथ सोनिया गांधी गई, उनके साथ शीला दीक्षित थी, पहले शीला दीक्षित ने अपना वोट डाला, उसके बाद सोनिया गांधी के साथ वोट डालने पहुंची उनका साथ देने के लिए। इसके अलावा प्रियंका गांधी अपने हस्बैंड के साथ, रॉबर्ट वाड्रा के साथ वोट डालने पहुंची। तो राहुल गांधी बहुत ज़्यादा आजकल रिपोर्टर्स से बातचीत करते हैं, अपनी बात रखते हैं, रैलीज कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, राहुल गांधी भी आज गए और काफ़ी देर तक उन्होंने बात नहीं की, आखिर में जाके एक दो शब्द उन्होंने बोले थे, लेकिन आज उन्होंने पापराजी को या फिर मीडिया को अवॉइड किया है। चलिए अब ये बड़ी पिक्चर के बाद सिलसिलेवार तरीके से एक एक सीट की बात करेंगे, कुछ डिस्कशन चर्चाएं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात कर लेते हैं। गुलवेश, इसलिए इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनी हुई है, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही हैं, लगातार 3 टेन्योर मुख्यमंत्री रही हैं, मनोज तिवारी भले ही पिछली बार यहां से जीत गए, और आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अगर अलायंस नहीं हुआ तो शीला दीक्षित इसकी फेवर में थी कि अलायंस नहीं होना चाहिए, हर सीट पर कांग्रेस को अपने उम्मीदवार खड़े करने चाहिए। आप टक्कर देखिए, मनोज तिवारी वर्सेज शीला दीक्षित और वर्सेज दिलीप पांडे, बहुत बड़ी टक्कर है। देखिए, यहाँ पर पूर्वांचली फैक्टर है मनोज तिवारी के साथ, उसको नहीं भूलना चाहिए। लोग जो, ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, यहाँ पे पूर्वांचली वोटर हैं, प्रवासी लोग हैं और पूरे कई राज्यों से आके लोग यहाँ बसते हैं, तो अब अगर वो यहाँ पे आके बसे हैं, उनको सारी फैसिलिटीज चाहिए, और ऐसे में वो इस वजह से मनोज तिवारी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, ये बड़ा फैक्टर है। लेकिन शीला दीक्षित 15 साल नवजोत मुख्यमंत्री रही है, बहुत लंबा वो टाइम होता है, लोग उनको भूले नहीं है, लोग उनको पसंद करते हैं, तो
मैं तो यही कहूंगी कि यहाँ पे कांटे की टक्कर है दोनों के बीच, मनोज तिवारी और शीला दीक्षित। हालांकि दिलीप पांडे भी अपने काम के बल पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करें कि शीला दीक्षित ने 15 साल काम किया है तो आप कहीं से भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखिए, काम के जरिए ही वोट मांगा जा रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है गुलवेश, कम से कम दिल्ली में लोग विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। शीला दीक्षित कह रही है कि मैंने जो 15 साल काम किया उसको आप ध्यान में रखिए वोट दीजिए। मनोज तिवारी कह रहे हैं हमने जो 5 साल काम किया उसको ध्यान में रखिए वोट दीजिए। दिलीप पांडे कह रहे हैं कि क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसको ध्यान में रखिए और फिर वोट कीजिए। एक चीज अच्छी हो रही है कि यहाँ पर अली बजरंग बली ना होकर कम से कम विकास की बात आ रही है साहब। बिल्कुल नवजोत, इतना ज्यादा जरूरी है कि आप 21वीं सदी में आप इस तरह के मुद्दों पर आप वोट मांगते हैं। लोग इतना ज्यादा अपने 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 व्यूज़ को मोल्ड करते हैं इन इन तमाम चीज़ों को लेकर। मुद्दे सिर्फ और सिर्फ विकास, एम्प्लॉयमेंट, साफ पानी, साफ हवा, यही मुद्दे होने चाहिए और यही लोग और यही सोच के लोगों को वोट करना चाहिए। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। आप अपने साथ साथ आपके सामने जो लोग हैं उनके लिए सरकार क्या कर सकती है, आपको एक साथ सबका सोचना पड़ेगा, तब आप अपने मुद्दों पे आप डिसाइड करें। आप वो मोदी जी वाला नारा दोहरा रही है सबका साथ सबका विकास। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि सबके मुद्दे, कि सबके सबका विकास होना चाहिए। मैं मोदी जी का नारा नहीं दोहरा रही हूँ, गुलवेश का अपना नारा, जो सबका विकास करे जी। चलिए, खैर, तो ये तस्वीर यहाँ की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बन रही है और प्रियंका गांधी खुद पहुंची थी वहां पर रोड शो करने के लिए। और आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, शीला दीक्षित के लिए उन्होंने रोड शो किया। फिर वही बात आ रही है, शीला दीक्षित जानती है उन्होंने काम किया, और जब प्रियंका गांधी ने रोड शो किया तो प्रियंका गांधी का एक स्टाइल है, वो भीड़ के अंदर भी लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं, और वो स्टाइल इतने करीब से मैंने जब उन्होंने दिल्ली में रोड शो किया तो वो मैंने जाना जी। चलिए हम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां से पिछली बार बीजेपी के उदित राज जीते थे। अब देखिए, उदित राज नाराज हो गए, नाराज होकर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अब जब वो कांग्रेस में शामिल हुए तो हंसराज हंस को टिकट दिया गया है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से। गुगन सिंह जो है वो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, और राजेश लेलोथिया को कांग्रेस ने टिकट दिया है। लेकिन अगर यहां पिछले 2014 की बात कर ले तो 46.4% वोटों के साथ उदित राज यहां से जीते थे, राखी बड़लान को उन्होंने हराया था। अब इसी को अगर आप 2009 के साथ कंपेयर करें तो कांग्रेस बहुत पीछे छूट गई थी। अब इस मैंने क्योंकि हंसराज हंस की सभाएं काफी कवर की हैं उस एरिया में मैं गई थी, एक चीज मैंने देखी थी गुलवेश, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप किसी अब चाहे वो मनोज तिवारी हो या फिर उधर से नेहरुआ को चुनावी मैदान में उतारा या फिर रवि किशन को, सनी देओल को, हेमा मालिनी को, क्राउड पुलर ये लोग होते हैं, नो डाउट। हंसराज हंस को देखने के लिए लोग रुकते हैं, भले ही हाथ में आम आदमी पार्टी का झंडा लिए हो, कांग्रेस का लिए हो, लेकिन अगर हंसराज निकल रहे थे तो लोग कह रहे थे कि वो देखिए हंसराज जी जा रहा है। लेकिन क्या वो वोट पुलर का काम करेंगे, इसको लेकर क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चंस हैं, देखिए गौतम गंभीर आए और साथ में आप हंसराज हंस की बात कर रही है, कहीं ना कहीं देखिए हम नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं, और उदित राज को टिकट नहीं मिला, नाराज होके वो चले भी गए कांग्रेस में, खैर वो अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि अगर हंसराज हंस को जो चुना गया है, मेरे लिहाज से बीजेपी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि सिर्फ एक चेहरे और नाम पर यहाँ पर चाहे वो किसी को भी चुन के खड़ा कर दें वो जीत जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने ऑब्वियसली आप भीड़ को पुल करते हैं अगर आप स्टार, और यही कॉन्फिडेंस गुरदासपुर में भी नजर आ रहा है, हालांकि अगले हफ्ते चुनाव है वहां पर। लेकिन सनी देओल जैसे ही मैदान में उतरे, और उनके तो हम देख भी रहे हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन पर किस तरीके से जब वो निकलते हैं रोड शो करने के लिए, कुछ उसी तरह की तस्वीर दिल्ली में भी दिखती है। भीड़ को पुल करना और वोट को पुल करना ना, जो जरूरी नहीं है कि आपको आपके आपके स्टार प्रचारक को लोग देखें और उसी को वोट भी करें, तो ये दो अलग फैक्टर्स हैं मेरे लिहाज से, तो दो अलग फैक्टर्स हैं। सपना चौधरी की हम बात करें, सपना चौधरी को मनोज तिवारी कितनी रोड शोज में लेके गए, लेकिन क्या जरूरी है कि उनके नाम पे अगर वो लड़ती क्या उनके नाम पे लोग वोट डालते, बस यही फैक्टर है। तो दिल्ली वालों की बात करनी होगी, इसमें मैं कुछ और नहीं बोलूंगी, हम 23 का इंतजार करेंगे। साउथ दिल्ली की बात करते हैं, दक्षिणी दिल्ली, रमेश बिदूड़ी वर्सेस विजेंद्र सिंह वर्सेस राघव चड्ढा। अब यहां पर भी देखिए मुकाबला किस तरीके से, क्योंकि रमेश बिदूड़ी पिछली बार जीते थे बीजेपी की तरफ से और उनको वोट कितने मिले थे वो भी आपको बता देती हूँ, 4,97,000 के करीब उनको वोट मिले थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट यानी कि सेकंड नंबर पर वो रहे थे, और यहां पर 17,52,741 वोटर, और ये वो इलाका है गुलवेश
जहां का वोटर सबसे सुस्त होता है। आप सुबह से बुलेटिन भी कर रहे हैं दिल्ली आज तक पर, कुछ खबर आई दक्षिणी दिल्ली से क्या लोग? बिल्कुल यही है, दक्षिणी दिल्ली का बहुत पॉश एरिया भी है और गांव भी है वहां पर। और अगर हम रमेश विधूड़ी और यहाँ पर विजेंद्र सिंह और राघव चड्ढा की बात करें, तो एक तरफ तो रमेश विधूड़ी हैं जिन जो जो गुज्जर मतदाता उनको सपोर्ट करते हैं, वो जानते हैं इस बात को कि उनको किस किस की सपोर्ट है। विजेंद्र सिंह बिल्कुल नए हैं, राघव चड्ढा नए नहीं कहूँगी मैं उनको, लेकिन हाँ यंग लीडर, आपके यंग लीडर उनको कहा जा सकता है। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला मेरे हिसाब से, सोनिया गांधी ने माफ़ कीजिएगा प्रियंका गांधी ने भी रैली की थी, रोड शो किया था विजेंद्र सिंह के लिए, वो तस्वीर भी आपको याद होगी, वो तस्वीर भी याद है। लेकिन तब भी अगर आप एक्सपीरियंस के लिहाज से देखें तो रमेश विधूड़ी, विजेंद्र सिंह और राघव चड्ढा, आप खुद समझ सकती हैं कि किसका कितना एक्सपीरियंस है, कितनी राघव चड्ढा बड़े और राघव चड्ढा के लिए यहाँ तक कि गुलवेश एक और चीज देखी गई। देखिए त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में जो कभी सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ करता था, आम आदमी पार्टी की इमरजेंस के बाद किस तरीके से मुकाबला इस बार खास तौर पर त्रिकोणीय हो रहा है। और राघव चड्ढा के लिए गुलपनांग ने भी बाइक रैली निकाली थी, कंट्रोवर्सी हुई थी कि राघव बिना हेलमेट के वहां बैठ गए थे। ऐसे हर कैंडिडेट के लिए बॉलीवुड स्टार्स तक आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, क्राउड पुल करने के लिए। क्राउड पुल ये बहुत जरूरी है, एक तरह का इसी तरीके का ट्रेंड चल गया है कि आप क्राउड पुल करने के लिए आप अपने अपने पसंद के सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, वो आते भी हैं, वोट भी मांगते हैं आपके लिए। लेकिन आप ये सोचिए नवजोत, ये दिल्ली के चुनाव ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से हैं, लोकसभा चुनाव, हालांकि सारी सीटों पर बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से क्योंकि विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं, तो जो दूसरे नंबर पर आएगा उसका, उस पार्टी का और उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल, जो अगले 5-6 महीने बाद जब दोबारा इलेक्शंस होंगे तो वो कहेगी हम दूसरे नंबर पे थे, हम जीते नहीं लेकिन हम दूसरे नंबर पर थे, इसी वजह से ये लड़ाई टक्कर की है हर सीट पर। बिल्कुल, मैं प्रोड्यूसर को बोलूंगी जरा दरवाजा बंद कर दीजिए, बहुत नॉइज आती है, काफी डिस्टर्बेंस होता है, हमारे प्रोड्यूसर आते जाते रहते हैं। खैर, एक और बड़ी बात ये भी है, त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में है नो डाउट, लेकिन देखिए दिल्ली वाले सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, शहरी मतदाता जितना होता है वो सबसे ज्यादा चिल्लाता है हमें ऐसी सरकार चाहिए, हमें ऐसी सरकार चाहिए, हमारी सरकार ने ये काम नहीं किया है, हमारे नेता ऐसे काम नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन वोट डालने की बारी आती है उस दिन वो खुद ही सुस्त पड़ जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये हमारा संवैधानिक अधिकार है नवजोत और हमारी प्रजातांत्रिक कर्तव्य है, बिल्कुल हम सबको वोट करना चाहिए। और अगर दिल्ली के लोगों को मैं यही अपील करूंगी, हमने दिल्ली आज तक पे भी अपील की और यहाँ पर भी हम अपील कर रहे हैं कि आप बाहर निकलिए, वोट करिए, छुट्टी नहीं है आज, सबसे इम्पोर्टेंट काम है वोट करना और वो वोट होना चाहिए। जस्ट मैटर ऑफ हाफ एन आवर, आधे घंटे का वक्त आप निकाल सकते हैं पूरे दिन के। बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आप अगले 5 साल तक आप कोसें, आप भला और बुरा बोलें, इससे बेहतर यह है कि आप कोशिश करके अपनी पसंद की सरकार चुनने की कोशिश कीजिए, अपनी पसंद का पीएम बनने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश। बिल्कुल, पश्चिमी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाते हैं, दिखाइए जरा गुलवेश कौन कौन चुनावी मैदान में। तो अगर हम बात करें पश्चिमी दिल्ली की, तो पश्चिमी दिल्ली में प्रवेश वर्मा है और महाबल मिश्रा हैं कांग्रेस की तरफ से, और आपकी तरफ से हैं बलबीर सिंह जाकर। यहाँ पर हम बात करें नवजोत, प्रवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और बहुत अच्छे से उनकी लेगेसी आगे लेके जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा जीत भी चुके हैं चुनाव, लेकिन महाबल मिश्रा की बात करें उनकी अच्छी पैठ है और पार्टी ने दोबारा, क्योंकि तमाम जो पुराने नेता है उनको ही चुना है कांग्रेस ने, पार्टी ने दोबारा उनको चुना और उनके सामने बलबीर सिंह जाकर। और नवजोत कहीं ना कहीं जाति फैक्टर है, आप माने ना माने लेकिन जाति के आधार पर आप, कास्ट फैक्टर है, उसके आधार पर आप कैंडिडेट्स चुन रहे हैं। तो अगर आप ये जो तीनों कैंडिडेट्स हैं, बाकी कैंडिडेट्स हम पूरी लिस्ट देखें दिल्ली की, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि 21वीं सदी में जाति फैक्टर नहीं होना चाहिए, काम फैक्टर होना चाहिए। लेकिन वो दिखता कहाँ है, वो तो बिल्कुल नहीं दिखता, आप खुद ही देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, कम से कम दिल्ली में इस बात की संतुष्टि होती है कि विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है कहीं कहीं। लेकिन अदरवाइज अगर हम देश के दूसरे इलाकों की बात करें, वहां तो जाति के आधार पर अली और बजरंग बली हो जाता है, मुसलमान कितना हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा उसको लेकर। नवजोत ये चीज इतनी खुली दिल्ली में नहीं है अभी तक, आप क्या आप मेरी बात से वाकिफ रखते हैं? मैं तो इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि शीला दीक्षित कह रही है मेरे 15 सालों का काम देखिए, हालांकि पिछले 5 साल से तो कांग्रेस कहीं भी नहीं है, लेकिन अब उसी किए हुए कामों का हवाला दे रही है। मनोज तिवारी कह रहे हैं मेरे 5 साल का काम देखिए, और दिलीप पांडे वो कह रहे हैं कि क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है उसका। और यहां तक कि गुलवेश आप खुद देखिए, दिल्ली कवर करती हैं आप, आम आदमी पार्टी के सभी कैंडिडेट्स अपने दिल्ली में किए हुए कामों, यानी दिल्ली के जितने विधायकों ने काम किए उनके कामों के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं वो लोग। बिल्कुल उसी आधार पे वोट मांग रहे हैं। और
एक पार्टी जो कि जिसको कितने कितने साल हुए हैं बने हुए, और उस पार्टी ने अगर कांग्रेस और बीजेपी में अपनी जगह बनाई है तो मेरे हिसाब से ये क्रेडिबल है। चलिए हम बात करेंगे चांदनी चौक इलाके की। गुलविश का वोट भी उसी इलाके में है, तो गुलविश आप ही बताइए जरा इलाके की तस्वीर क्या है। देखिए मैं जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं जो मुझे फील होती हैं, और जो लोग वो सबसे, एक तो सड़कें बहुत खराब हैं, एक बार सड़क टूट जाए, एक तो अलग अलग एजेंसीज हैं, अगर एक कोई सड़क तोड़ दे तो फिर दूसरी एजेंसी उसको 2-3 महीने में बनाती है। तो सड़क, पानी और सीलिंग एक मुद्दा है नवजोत, क्योंकि जेपी अग्रवाल को उतारना कांग्रेस की तरफ से, हालांकि कपिल सिब्बल जीत चुके हैं यहाँ पे 2 बार, लेकिन तब भी पार्टी ने जेपी अग्रवाल को चुना। उसकी वजह ये है कि पार्टी जो व्यापारी वर्ग है उनको केटर कर रही है, और वो जानती है कि यहाँ पे कितना कारोबार होता है, इसी वजह से जेपी अग्रवाल को चुना गया। डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत ही क्लीन इमेज उनकी रही है, और ऐसे में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हैं दोनों, साथ में पार्टी लाइन फेवरेट रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन बिल्कुल, तो यहाँ पर और साथ में पंकज गुप्ता हैं, वो भी अपने काम के बल पे। लेकिन अगर हम चांदनी चौक की बात करें तो चांदनी चौक में कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ना बहुत मुश्किल है, यानी या तो बीजेपी रहती है या तो फिर आम आदमी पार्टी फैक्टर कितना काम करता है। आम आदमी काम करता है, लेकिन अलका लांबा तो वहां से विधायक है, बड़े जोर शोर से हमेशा बताते हैं, लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव के अगर नतीजों पे देखें तो या तो बीजेपी जीतती है या तो फिर कांग्रेस जीतती है, अगर आप लोकसभा चुनाव का नतीजे देखें पिछले कुछ सालों के। जी तो चलिए चांदनी चौक के इलाके की तस्वीर गुलविश से बेहतर और कोई जान नहीं सकता, क्योंकि उसी इलाके से आती हैं, और वो एज अ मतदाता भी, मैंने उनसे जब बातचीत की तो सुना आपने। ईस्ट दिल्ली की बात करते हैं, ईस्ट दिल्ली बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीट है वो, इसलिए एक तो मुझे भोपाल वाली सीट में बहुत इंटरेस्ट है, साध्वी प्रज्ञा वर्सेज दिग्विजय सिंह, बेगूसराय इज वेरी इंटरेस्टिंग, उसके बाद ये ईस्ट दिल्ली की सीट आती है। ऑफकोर्स शीला दीक्षित वाली सीट, हाँ आपको क्यों इंटरेस्टिंग लगी? मेरे को इंटरेस्टिंग इसलिए लगी, आप देखिए गौतम गंभीर को चुनावी मैदान में उतारा गया है, हमारी कुछ सहयोगी गौतम गंभीर की रैलियों में गई थी। अब कुछ ऐसी बातें होती जो हम टीवी पर नहीं कह सकते, लेकिन क्राउड पुलर यहां पर जरूर नजर आ रहे हैं। हम गुलविश जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कि क्या क्राउड पुलर वोट पुलर के रूप में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। गौतम गंभीर जो है वो क्राउड पुलर तो दिख रहे हैं, लेकिन वही बात, वोट पुलर होंगे नहीं होंगे, अब उनके सामने है आतिशी मलीना। आतिशी मलीना कह रही है कि मैंने पिछले 5-6 सालों तक खूब काम किया, जनता के बीच में जाकर काम किया है। और अरविंदर सिंह लवली शीला सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, वही बात शीला दीक्षित जो कह रही है कि हमारे किए कामों का हिसाब दीजिए, यानी कि हमारे किए कामों को देखिए और फिर उसके बाद वोट कीजिए। अरविंदर सिंह लवली भी बिल्कुल यही बात कहते जा रहे हैं, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, तीनों कैंडिडेट पूरी वेटेज लिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात अरविंदर सिंह लवली ने ये कही थी कि उन्होंने क्रिकेट खेला था, अभी 2-3 दिन पहले क्रिकेट खेला था उनसे, और उन्होंने कहा कि जब क्रिकेटर नेता बन सकता है तो नेता क्रिकेटर क्यों नहीं बन सकता, ऐसे बहुत से हमारे नेता हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो गौतम गंभीर की हम बात करें, गौतम गंभीर का बिल्कुल ये नई पारी इसको मैं कहूंगी, और एज अ क्रिकेटर उनको बहुत पसंद किया जाता है, बहुत उनकी पर्सनालिटी को और जैसे सोशल इश्यूज पे अपनी बात रखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आप महेश गिरी का बहुत अच्छा ट्रैक रहा है, उनकी जगह गौतम गंभीर को यहाँ पे पार्टी ने चुना, तो ऐसे में क्योंकि वही बात नवजोत की पार्टी बहुत बहुत कॉन्फिडेंट है कि महेश गिरी ने काम किया है, और बीजेपी के चेहरे पे हम किसी को भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगी, तो यहाँ पर वो फैक्टर है, और क्राउड पुलिंग फैक्टर तो है ही। गौतम गंभीर को चुना गया, हालांकि पहले किसी और सीट से उनको उतारने की बात बिल्कुल, तो यहाँ पर अरविंदर सिंह लवली अपने अपने काम की वजह से जाने जाते हैं, और बहुत जाना पहचाना पुराना चेहरा है दिल्ली की राजनीति का। आतिशी की बात करें, आतिशी नहीं है आपकी, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है, और तो ऐसे में मैं तो इसको यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला ही मानूं, और इसलिए भी देखिए वो कहते हैं ना कि जितनी सुर्खियों में नेता रहता है, अभी सुर्खियों में आई थी आतिशी, मैं वही कहने वाली थी, आतिशी सबसे ज्यादा, अगर आम आदमी पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सुर्खियों में आतिशी है, कभी वो अपनी कास्ट को लेकर, कभी सरनेम को लेकर, कभी नाम को लेकर, हमेशा सुर्खियों में रहती है। क्या कहीं ना कहीं मुझे बात ये बात मेरे दिमाग में है कि उनको क्या जरूरत पड़ी थी अपना नाम में चेंज लाने की, आपको क्या लगता है कि क्या जो हम जाति फैक्टर की बात कर रहे हैं, क्या जरूरत है आतिशी मार लेना की जगह मार लेना हटा देना, आपको क्या लगता है? गुलविश देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, जो अभी तक हम आम आदमी पार्टी को समझे, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार है, और जब अलायंस की बात हो रही थी तो कांग्रेस के साथ अलायंस की बात कर रहे थे कि तीनों स्टेट्स में, यानी हरियाणा और पंजाब में भी हो,
तो जो कहते हैं, जिसको जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि शुरू में तो ये कह कर आए थे कि हम देश को बदलेंगे, और इसमें कोई दोराय नहीं, अगर उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि देश को बदलने आए थे, खुद बदल गए, काफी कुछ आम आदमी पार्टी में बदलाव देखा गया है। यानी आम आदमी पार्टी जो आम आदमी की पार्टी थी वो एक पॉलिटिकल लीडर्स की पार्टी बनने की तरफ है, और शायद कहीं ना कहीं मोटिव यही रहा होगा, कुछ उस तरह की छवि भी दिखती है। क्योंकि आप पंजाब में देख लीजिए जिस तरीके से रिफ्ट आया है, सब लोग ये कह रहे हैं बहुत अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं इस वजह से। जो देखिए यहाँ पर सबसे आप देखिए कि गठबंधन की कितनी महीनों तक, कितनी हफ्तों तक चर्चाएं चली हैं। अगर गठबंधन हो जाता आप और कांग्रेस के बीच में, तो इसका नुकसान सीधे तौर पर बीजेपी को होता, ये बात अच्छे से जानती थी आप। लेकिन यहाँ पर 33 सीटें और 18 सीटें, इसको लेकर चर्चाएं चलती रही, आखिर तक दोनों में की दोनों पार्टियां डिसाइड नहीं कर पाई, ट्विटर पर बातचीत चलती रही। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगी कि दिल्ली में अगर अलायंस होता तो ये बहुत अच्छा रहता, और ये तो धीरे धीरे बातें निकल के सामने आ ही रही हैं कि बात सिर्फ दिल्ली की सीटों की नहीं थी, बात हरियाणा और पंजाब की भी थी। और पंजाब में तो कहीं भी कैप्टन अमरिंदर सिंह हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो खुद ही बहुत कॉन्फिडेंट है, वो तो कह रहे हैं 13 में से 13 सीटें हम लोग जीतेंगे, इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं वो। तो ऐसे में अगर अलायंस होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि शायद आपने सोचा कि हम ज्यादा सीटों की बात कर लें। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आप दिल्ली कवर भी करती हैं, अब क्योंकि दिल्ली में अब इसके बाद विधानसभा चुनाव भी होंगे, आपको लगता है कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य के साथ आम आदमी पार्टी बनी थी उसके बाद महत्वाकांक्षाएं इतनी हो गई कि उसी सियासी लय में, यानी दूसरी पार्टियों की लय में, और उसी तरीके से वो बहती जा रही है? देखिए तभी मैं इसका जवाब दूंगी, पूर्ण राज्य। ये जवाब वो जवाब है कि पूर्ण राज्य हमें नहीं मिला। जो काम किए हैं पार्टी ने, अगर पार्टी ने बहुत सारे काम गिनाए हो मैनिफेस्टो में, उसमें से जो काम नहीं किए उन्होंने कहा पूर्ण राज्य में नहीं मिला, हम ये नहीं कर पाए। तो जनता ये जानती है कि आपको अपनी पावर्स पता थी, आपको पता था कि आप कितना कर सकते हो, और अगर आप नहीं कर सकते थे तो आपने प्रॉमिस क्यों किया। तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर हो सकता है, लोग पूछेंगे और पूछ रहे हैं कि अगर आपको पता था कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है और हम ये कुछ काम नहीं कर पाएंगे जो हम कह रहे हैं, तो वो फैक्टर तो है बिल्कुल। चलिए न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मीनाक्षी लेखी पिछली बार जीती थी, अजय माकन और ब्रजेश गोयल इस बार, तीनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही। मीनाक्षी लेखी ने 46.7% वोटों के साथ जीत हासिल की थी, आशीष खेतान आम आदमी पार्टी के उनको हराया था, लेकिन इस बार क्या तस्वीर दिख रही है न्यू दिल्ली की? देखिए मीनाक्षी लेखी का बिल्कुल आखिर तक डिसाइड नहीं हुआ था कि वो यहाँ से पार्टी उनको उतारेगी या नहीं उतारेगी। एक केस जो उन्होंने किया राहुल गांधी के खिलाफ, उसकी वजह से उनको आखिर में ये तोहफा दिया गया है, तो ये तोहफा उनको मिला है मीनाक्षी लेखी को। और अजय माकन एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर हैं और पहले बहुत काम कर चुके हैं, इस सीट से जीत भी चुके हैं, तो ऐसे में मेरे लिहाज से यहाँ पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि अगर वोटर निकलेगा वोट डालने के लिए, सुस्ती बिल्कुल कायम है। चांदनी चौक में आपकी आप ही के इलाके में 31% वोटिंग हुई है अभी तक, 100 में से 31% 32% वोटिंग होना, जबकि टाइम क्या हो रहा है नवजोत, 5 बजे का तक का समय है, आप सोचिए कितने 2-2.5 घंटे का समय बच गया है और अभी तक 31-32% से ऊपर वोटिंग नहीं गई है। अपने आप में बहुत कम वोटिंग परसेंटेज है। दिल्ली के लोगों से अपील हम करेंगे कि प्लीज आप बाहर निकलिए, वोट करिए, हर एक के लिए वोट बहुत ज्यादा जरूरी है, अपील हम लगातार करते रहे। चलिए गुलविश को भी वोट करने जाना है, रोकेंगे नहीं हम। थैंक यू सो मच गुलविश साथ जुड़ने के लिए, वेलकम। सुबह से गुलविश भी एंकरिंग करनी है, और अब वोट का वक्त हो गया है, अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की और जिम्मेदारी की बारी आती है। चलिए इलेक्शन की सारी अपडेट्स के लिए आप दिल्ली तक के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।